ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि बिना ज्ञानम के मोक्ष संभव नहीं है, और ज्ञानम आपको शास्त्रों से ही मिल सकता है। और अब तो शास्त्र इंटरनेट पे फैले हुए हैं, सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। तो क्या हम खुद से बिना गुरु की मदद के शास्त्र पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और क्या हम खुद से शास्त्र पढ़कर मोक्ष पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम शास्त्र पढ़ सकते हैं शायद, अगर लैंग्वेज अगर हमें समझ में आती है तो शास्त्र पढ़ लेंगे, लेकिन हमें वो शास्त्र कभी भी समझ नहीं आएगा, और वो जो भी समझ होगी वो गैर समझ होगी। क्योंकि कई शब्द हैं जहां पर शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, और कई बार अर्थ एक है लेकिन शब्द अनेक होते हैं। तो कब कौन सा शब्द किस अर्थ में कहां उपयोग किया गया, ये केवल आपको गुरु ही बता सकता है और कोई नहीं। और दूसरी बात, ये नॉलेज इतना सूक्ष्म है कि हम इसकी गहराई को, इसकी सूक्ष्मता को हमारे सामने होते हुए भी हम उसे समझ नहीं पाते। सिंपल सी बात है कि हम अपने स्थूल शरीर को आज तक नहीं समझ पाए, इसके लिए हमें किसी और डॉक्टर की जरूरत है, किसी और पर्सन की जरूरत है। तो फिर ये जो आत्मज्ञानम जो इतना सूक्ष्म है उसको हम कैसे समझ पाएंगे? अब जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आत्मा शब्द अपने आप में मिसअंडरस्टूड किया गया है कई लोगों द्वारा। जैसे हम कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वगत है, यानी सभी जगह है, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि उसकी आत्मा छोड़ के चली गई मरने के बाद? आत्मा परम आनंद का स्वरूप है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं मरने के बाद कि उसकी आत्मा को शांति मिले? आत्मा तो परम शांति, उसका स्वरूप है, फिर उसको शांति कैसे मिले? तो यही काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे बेसिक नॉलेज ही क्लियर नहीं है, फिर हम शास्त्र की गहराई को क्या समझ पाएंगे? देखिए, हर एक गैजेट्स के साथ एक मैनुअल आती है, हम उस मैनुअल को भी ठीक से पढ़ के उस गैजेट को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस आत्मा की क्या बात करें? जिसने मनुष्य को बनाया है, इस जीवन को बनाया है, उसने ये मैनुअल भी बनाया है शास्त्र के रूप में, लेकिन इसको कैसे अनफोल्ड करना है ये केवल और केवल आपके गुरु को ही पता है। सो एट द एरिया ऑफ योर इग्नोरेंस यू मस्ट सरेंडर टू हायर इंटेलेक्ट। जिस क्षेत्र में हमारा अज्ञान हो, उस क्षेत्र में जो हमसे अधिक बुद्धिमान है उसके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न यहां ये उठता है, क्या मैं ये कह दूं कि मैं आत्मा हूं तो मैं अपनी आत्मा से ही पूछ के अपनी आत्मा से ही मैं सीख लेता हूं? जैसे कई लोग कहते हैं हु एम आई, आप बस आंख बंद करो, हु एम आई पे मेडिटेट करो, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, तो क्या आपको उससे नॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिल सकता। सी, हु एम आई ये बिल्कुल उस तरह है जैसे एक मैथमेटिकल सम है जिसमें हमें एक्स फैक्टर को फाइंड आउट करना होता है, उसी तरह से मैं कौन हूं इसको सिस्टमेटिकली नॉलेज की मदद से आपको यह फाइंड आउट करना है। एंड वी बिलीव इन ट्यूशन नॉट इन इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन में हमेशा वेगनेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत इस मैच को जीतेगा या हारेगा, यह इंट्यूशन है। और दूसरी बात, आत्मा के पास वो उपकरण नहीं है जिससे वो आपके साथ कम्युनिकेट करके आपको ये नॉलेज दे सके, उसके पास बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है। और आत्मा तो भाई आपके पास शुरू से है, जब से आपका जन्म हुआ उसके पहले से आत्मा आपके पास है और वो सदा आपके पास रहती है। अगर आत्मा से ही सीखना होता तो आप बहुत पहले सीख गए होते। सो आत्मा से हु एम आई बोलने से या ये उच्चारण करने से, या इस पर अगर आप सोचो कि मैं मेडिटेट करूं हु एम आई, इससे आपको आत्मज्ञानम नहीं मिल सकता। आत्मज्ञानम केवल शास्त्र उपदेश से ही मिल सकता है, गुरु से ही मिल सकता है। तो अब कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि ये जगत है, ये जगत से क्या मैं सीख सकता हूं? देखिए, जगत से जब हम सीखते हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है। अब बिल्ली का परसेप्शन कुछ और होगा, हाथी का परसेप्शन कुछ और है, चींटी का परसेप्शन कुछ और है,
इंसानों का परसेप्शन कुछ और है और हर एक इंसान का भी उस वस्तु को लेकर अपना अलग परसेप्शन होता है, अलग दृष्टिकोण होता है उसको देखने का। तो उसी तरह से एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई पेड़ को, वृक्ष को छाया के लिए देखता है, कोई उससे फल तोड़ने के लिए देखता है, कोई ये देखता है कि उसके पत्ते किस काम आ सके, कोई ये देखता है कि इस पेड़ को काट के मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तो हर एक व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। तो उसी तरह से ये दुनिया को जब आप देखते हो तो आपका परसेप्शन अलग होगा, दूसरे व्यक्ति का परसेप्शन अलग होता है। डिपेंड करता है कि आपके कैसे संस्कार हैं। और इसीलिए अगर आप ये समझते हैं कि मैं दुनिया को देखकर ये नॉलेज हासिल कर लूंगा, ये नामुमकिन है। आपको उसमें गैर समझ ही हासिल होगी। क्रिस्टल क्लियर नॉलेज आपको बिना शास्त्र ज्ञानम के, बिना गुरु की मदद के कभी नहीं मिल सकता। अब कुछ लोगों के ये डाउट है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिना गुरु के ज्ञान मिल गया है, मोक्षा मिल गया है। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज पॉसिबल। लाखों करोड़ों में कोई एक आधा एक्सेप्शन ऐसा भी हो सकता है। बट फर्स्ट थिंग इज, हमारे पास वो फैक्ट्स क्लियर नहीं है। आपको नहीं पता कि उनके गुरु थे या नहीं थे। अगर मान लो कि उनके गुरु नहीं थे इस जन्म में और उनको ये मोक्षा मिल गया है, तो ये पूर्व जन्म संस्कार भी हो सकते हैं कि यहां उनको केवल मोक्षा मिलना था और बाकी जो काम करना था, जो नॉलेज हासिल करना था, वो उन्होंने पिछले जन्म में ही हासिल कर लिया। क्योंकि यही एक नॉलेज है जो मरने के बाद आपके साथ जाता है। एंड एक्सेप्शंस डजंट मेक अ रूल। सो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर हम नियम निर्धारित नहीं कर सकते। सो एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। तो बिना शास्त्र ज्ञानम के मोक्ष संभव नहीं है और बिना गुरु के शास्त्र ज्ञानम संभव नहीं है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने योग्य। कई शिष्यों को ये तकलीफ होती है या ये मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि कोई मेरा गुरु बने, कोई मेरा बॉस बने। ये उनकी चाइल्डहुड अथॉरिटी प्रॉब्लम है। यानी हो सकता है चाइल्डहुड में उनके ऊपर कोई डोमिनेशन हुआ है पेरेंट्स का या किसी और सदस्य का, और इसीलिए वो आज बड़े होकर अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सही गुरु को कैसे पहचाने, सही गुरु का चयन हम कैसे करें। तो ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए अगला वीडियो। तो गुरु और गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमारे और भी कई वीडियोस हैं और भी कई वीडियोस आने वाले हैं, और यदि आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में है, ये हमारे भारतीय वैदिक कल्चर के बारे में है। तो आप जितना शेयर करें उतना बढ़िया है। ओम तत्सत।